एक दर्जन से अधिक फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि एडिशनल सीएमओ चरण सिंह ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर उसे सील कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार गाजियाबाद के लोनी में चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। आगे भी ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सील लगाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में बिना डॉक्टर के चलाए जा रहे एक दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ही अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करना कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, जबकि अधिकारियों को भी पता है कि एक दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर जो बिना डॉक्टरों के चलाए जा रहे हैं, तो सभी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या एक ही अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सील करना बाकी अन्य से सांठगांठ का कार्यक्रम तो नहीं है? क्या इस पर से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों को जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी छूट दे रहे हैं? लोनी से कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों की हमें बार बार शिकायत मिलती है जी, तो उन पर समय समय पर हम लोग कार्यवाही करते रहते हैं। आज ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर लोनी है जी, हमने कार्यवाही की तो पाया कि बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे जी और चिकित्सक मौजूद नहीं थे जी। कई लोगों के हाथ में अल्ट्रासाउंड भी लगे हुए की रिपोर्ट भी लगी हुई जी, उनमें से दो की हमने रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी कर दी और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।